हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? ऑल आर यू ओके? ओके, तो आज हम सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, ट्रेन आ रही है और यहाँ पे एक सिग्नल दिया है, ऐसा आपने देखा है ना? हाँ, सबने देखा होगा ऐसा। तो ये इसका मतलब क्या होता है? जब रेड होता है तब रुकना होता है, जब ग्रीन होता है तब जाना होता है। और ओके, चलो, तो ये इसको क्या बोला जाता है? सिग्नल, सिग्नल। ओके, तो ये सिग्नल के बारे में पोयम दिया है। रुको, ठहरो और चलो। रुको, ठहरो और चलो। लाल कहे रुक जाओ, ये क्या है? लाल, लाल कहे रुक जाओ, आएगी तुम्हारी बारी, आएगी तुम्हारी बारी। पीली कहे अब कर लो, पीली कहे अब कर लो, रुकने की तैयारी। जब रेड होता है उनसे पहले कौन सा आता है? येलो, येलो रुकने का सिग्नल, रेड होने का सिग्नल देता है। पीली कहे अब कर लो रुकने की तैयारी, हरी कहे अब आगे कदम बढ़ाए, हरी कहे अब आगे कदम बढ़ाए। हरी होती है तब हमको क्या करना है? आगे जाना है। हरी कहे अब आगे कदम बढ़ाए। ई रू की रेल चलाए, रू की रेल चलाए। देखो यहाँ पे रेल, ट्रेन, रेलगाड़ी दिया है, उसमें रू ये इतना वर्ड्स दिया है। ये आपको यहाँ पे डॉट डॉट में दिया है, तो आपको इस पे पेंसिल ऐसे घुमा के डार्क करना है। ओके, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। वो थर्ड पोएम, ऐसे मनाए त्योहार, ऐसे मनाए त्योहार। देखो देखो आया त्योहार, देखो देखो आया त्योहार, लाया खुशियाँ की बहार, लाया खुशियों की बहार। देखो देखो आया त्योहार, लाया खुशियों की बहार। ईद दिवाली ओणम क्रिसमस, ईद दिवाली ओणम क्रिसमस, आओ मनाए सब मिलजुल कर, आओ मनाए सब मिलजुल कर। यहाँ पे कौन कौन से त्यौहार की बात किया गया है? तो ईद, दिवाली, ओणम, क्रिसमस, ये सब त्योहारों की बात किया है। ओके, तो दिवाली में हम क्या करते हैं? पटाखे फूटे, मिठाई लाते। क्रिसमस में क्या करते हैं हम? क्रिसमस ट्री बनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, है ना? और होली, ये सब हमारा त्यौहार है। ओके ओके, नेक्स्ट पेज टर्न करो, पेज नंबर 22। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। ए, ए से एल्बम, ए से एल्बम। एल्बम को एक ए कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं हम। ए लिखने के लिए सबसे पहले तो हमको ऐसे बनाना है, हमें नीचे लेके जाना है और ऐसे, ये हुआ हमारा ए से एल्बम। ओके, ये वाला आपको यहाँ पे लिखना है, प्रैक्टिस करना है। ए से एल्बम, ए से एल्बम, ए से एल्बम। ओके, ये आपको फुल पेज लिख के प्रैक्टिस करना है। ओके ठीक है, और यहाँ पे भी आपको लिखना है, कलर करना है। यहाँ पे भी एल्बम में भी कलर करना है। एल्बम मतलब कि जो पिक्चर हम रखते हैं ना, फोटो, वो उसको एल्बम बोला जाता है। ओके, एल्बम। चलो नेक्स्ट, ए से एनक, ए से एनक, एनक मतलब चश्मा, एनक, ए से एनक। अब हम ए कैसे ढो किया जाता है वो देखते हैं। जैसे हमने एल्बम का ए पढ़ा,
वैसे ही एम निकालना है, उसके बाद एक मात्रा ए से एनक, ए से एनक, ए से एनक, ए से एनक। आपको फुल पेज लिखना है ओके, या कच का होमवर्क है दो पेज, ए से एल्बम, एल्बम और ए से एनक, ये दो आपका होमवर्क है ओके। ए से एल्बम, ए से एनक, आपको एनक में कलर करना, जैसे यहाँ पे कलर किया वैसे ही इसमें कलर करना है और लिखना है ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लास ख़त्म हुआ। आज का आपका होमवर्क क्या है, अ से एल्बम और ए से एनक, ये दो आपको फुल पेज नोटबुक में लिखना है ओके। ये आज का आपका होमवर्क है, यहाँ पे आपका क्लास ख़त्म हुआ स्टूडेंट्स, बाय।